let's give a cold start to our baby after 11 days. किया मैंने बस मॉर्निंग में उठा 10-11 दिन से मेरी बीस्ट खड़ी हुई थी पार्किंग में मेरे घर के बाहर उसको वार्म अप किया और उसके बाद वार्म अप करने के बाद उसको मैंने एक शॉर्ट स्पिन लिया ज़्यादा मुझे भी मालूम है राइट नाउ जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें बाहर नहीं निकलना है और मैं बाहर निकला भी नहीं मेरे घर के की जो गली है वही इतनी लंबी है 100-150 मीटर है उसका डिस्टेंस तो मैंने उसको कोल्ड स्टार्ट करने के बाद 100 मीटर के एक शॉर्ट स्पिन लिया और वापस उसको पार्किंग में खड़ा कर दिया क्योंकि राइड के लिए हम वेट कर सकते हैं बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल राइडर वी कुड वेट फॉर द राइड फ्यू डेज अंटिल दिस कोरोना सिचुएशन विल बी नॉट अंडर कंट्रोल बट बात बड़ी सिंपल सी है समझने के लिए कि ये जो भी लॉकडाउन वगैरह हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है हमारी प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है हमारे हेल्थ के लिए हो रहा है सो वी शुड सपोर्ट दिस थिंग एंड मैं भी घर में ऐसा नहीं है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ येस आई एम गोइंग आउट फ्रॉम माई होम फॉर सम वर्क अगर मुझे कुछ ख़रीदना होता है ग्रोसरीज वगैरह तो मैं बल्क में नहीं ख़रीद रहा हूँ कुछ भी मुझे मेरा डाइट का जो भी सामान है या कुछ भी जो भी अवेलेबिलिटी में है वो आसपास के ग्रॉसरी से जो भी मैं ख़रीदता हूँ नॉर्मल क्वांटिटी में जितना मुझे लगता है 1-2-3 दिन के लिए उतना मैं लेता हूँ और रखता हूँ ज़्यादा स्टोर करना सही नहीं है हम कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी वी कैड स्टोर टू गुड अमाउंट गुड मोर क्वांटिटी ऑफ एनी ऑफ थिंग्स ग्रॉसरी एंड एनी ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू आवर होम बट आई वोट आई थिंक दैट वी शुडंट डू दैट थिंग जस्ट बिकॉज हमारे पास पैसा है हम उस चीज़ को दोबारा भी खरीद सकते हैं एक दिन के हम 2 दिन की चीज़ खरीदते हैं अगर हम 4 दिन की चीज़ 2 दिन में ले लेंगे तो वो किसी और बंदे को नहीं मिलेगी जिसको वो उस टाइम राइट नाउ चाहिए सुबह वाली चीज़ है और सिंपल सी ये बात मैं वर्कआउट कर रहा हूँ नॉर्मल जिम तो मेरा बंद है सो मेरा क्या पूरे इंडिया के जिम बंद है ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जहाँ भी ये चीज़ है वो सब बंद है सो घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ आपने देखा सो आप भी ऐसे घर पे वर्कआउट करो क्योंकि ये सिचुएशन हमें कोई गारंटी कोई भी नहीं दे सकता इवन आप प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट गिव अ गारंटी दैट इन दिस डे
दिस सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल जस्ट बिकॉज ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बींग मैन ट्राई टू अंडरस्टैंड वी ऑल शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग सो हमें नहीं मालूम कब सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी और जब तक के लिए होती तब तक अगर हम घर पर हैं तो जो जो भी एक लिस्ट बनाओ जो जो भी तुमने अभी तक नहीं किया और तुम्हारी करने की इच्छा थी खाली बैठते हुए टाइम मतलब जो आपके पास फ्री टाइम हो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है सो वो सब चीज़ें करो। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इच्छा है आपको जो करना है आप करो और लिटरली आज पहली बार कल के वर्कआउट के बाद ये शोल्डर क्या फ़ोन को उठाने में क्योंकि अभी मैं फ़ोन से ही स्टार्ट अभी ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं है मैंने अभी कैमरा है मेरे पास बट कैमरा से मैं बाद में व्लॉगिंग करना स्टार्ट करूँगा अभी हाल फिलहाल मैं फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो ये शोल्डर मेरा पेन होना स्टार्ट हो गया मैंने लगातार हाथ में रखा तो सिंपल सी स्टे होम गाइस इफ यू विल स्टे एट होम यू विल स्टे हेल्दी यू विल स्टे अवे फ्रॉम कोरोना एंड यू विल स्टे अलाइव सो स्टे होम गाइस वुड डू वट एवर यू वांट टू डू एंड वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग आई विल ट्राई टू मेक अ न्यू व्लॉग एंड और अगर अच्छा भी तो बना देंगे वरना क्या करें अब कुछ है ही नहीं तो क्या व्लॉगिंग करेंगे गाइस क्या व्लॉगिंग करेंगे और घर पे मैं व्लॉग इसलिए नहीं कर सकता कि घर पे मैं अकेला नहीं हूँ जो मैं व्लॉग कर सकूँ ये अभी मैं ऑलमोस्ट मैं मॉम सो चुकी तब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मालूम है घर पे क्या सिचुएशन होती है सो सिंपल सी बात है सो मिलते हैं सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन को दबा दो कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट करो सब्सक्राइब के बटन को भी दबाना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और जल्दी से आप दौड़ते हुए आओ मेरे चैनल पे और वीडियो को इन्जॉय कर सको सो टिल देन बाय बाय गाइस शबा खैर गुड नाइट वेन विद वीची गाइस सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग